Dear students, welcome to the classes of Ray Academy, and I am your accounts teacher, Mr. S.K. Ray. Today, we will be studying on entries for GST. And GST ke baare mein main aaj aapko 5 entries bataunga, 3, 4, 5, 6, 7. To iske andar aise aise chote chote video mein batata hun, taki aapko at a time, agar lamba video hota hai, to dekhne ke liye man nahi karta hai. So, first of all, you can see, ye jo third entry, सेल ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स बेचेंगे तो आपको बताया था कि जीएसटी क्या होता है. इट इज लेविड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट. अगर जहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन आउट ऑफ स्टेट होता है उसमें आईजीएसटी होता है. तो हम परचेजेस के टाइम पे इनपुट जीएसटी देते हैं एंड सेल के टाइम पे आउटपुट जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं. उधार में बेचते हैं तो बाद में वो कलेक्ट होता है, कैश में बेचते हैं तो कैश या चेक या बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है तो इंस्टेंट कलेक्शन होता है. तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, डेटर हमारा एसेट होता है. मॉडर्न मेथड में हम पढ़ रहे हैं डेटर्स अकाउंट डेबिटेड. तो जितने टोटल अमाउंट हमें लेना है डेटर से, टू इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटल इनकम्स एंड रेवेन्यूज, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. टू सेल्स अकाउंट, सेल से हमारा पैसा आता है तो सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है. तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. तो आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट, हम इसको कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं, या इनपुट सी जी एस टी उससे एडजस्ट करते हैं. तो इसीलिए आउटपुट सी जी एस टी कस्टमर से मिलेगा. ये भी इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्योंकि डेटर से हमें लेना है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी सी जी एस टी एस जी एस टी. अगर स्टेट विद इन द स्टेट हमारा सेल है तो स्टेट बाहर, स्टेट के बाहर से ले तो आउटपुट आई जी एस टी अकाउंट क्रेडिट होता है. आइदर ये दोनों होगा, आइदर ये दोनों होगा, नहीं तो एक ही होगा, खाली एक ही होगा, ये होगा आउटपुट आई जी एस टी. बींग द सेल्स मेड एंड आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एस जी एस टी एंड आउटपुट आई जी एस टी क्लेम. देन फोर्थ होता है परचेजेस रिटर्न ऑफ गुड्स. परचेजेस रिटर्न ऑफ गुड्स मतलब हमने खरीदा था, हमने वापस कर दिया. How the entry will be passed when there is a GST. तो अगर हम खरीदते हैं, तो अगर उधार पे खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर, तो हमारा क्रेडिटर बढ़ता है. और क्रेडिटर जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है. अगर लायबिलिटी घटता है, उनको वापस कर देते हैं तो वो लायबिलिटी डेबिट हो जाता है. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड विथ टोटल अमाउंट. इनटू परचेजेस रिटर्न, it is not returns and make it purchases returns. Purchases return, there is no S and there is no S. Purchases return account. तो purchases return account जो होता है उसमें जितने cost price का purchases हम वापस करते हैं, जैसे 15,000 का खरीदा था और 1,000 का वापस करा तो 1,000 रुपीज आएगा. GST अलग, जो input GST purchases के time पे हमारे supplier ने हमारे ऊपर चार्ज किया था उसको रिवर्स कर देंगे कैंसिलेशन के लिए. जितने पोर्शन, जितने अमाउंट का गुड्स हम खरीदते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी था, तो टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, उसके ऊपर जितने जीएसटी था, टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट जितने था उसके ऊपर, और टू इनपुट आई जीएसटी. अगर विद इन द स्टेट है तो ये दोनों आएगा, ये दोनों आएगा. अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है आउटसाइड द स्टेट, इनपुट आई जी एस टी. ये जितने लिए होंगे उतने कैंसिल कर, जितने हमारे सप्लायर ने हमारे ऊपर चार्ज करा होगा, क्लेम करा होगा, उसको वापस हम कैंसिल कर देंगे. और नरेशन होगा बीइंग द गुड्स रिटर्न्ड एंड इनपुट सी जी एस टी एंड इनपुट एस जी एस टी एंड इनपुट आई जी एस टी रिवर्स्ड, इसको रिवर्स करके कैंसिल कर दिया. देन नेक्स्ट होता है फॉर सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल किया था और जिसको सेल किया था वो हमें वापस कर गया. तो सेल्स रिटर्न के लिए होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड. इट इज नॉट रिटर्न, इट इज रिटर्न. बाय चांस से कि इस गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, जितने एक्चुअली जो सेल वैल्यू जिसका था तो उससे जितने का वापस आया, इसके अंदर से कोई फ्रेट कार्टेज वगैरह, मतलब फ्रेट आउटवर्ड, इसके अंदर से इंक्लूडेड नहीं होगा इसके अंदर. तो ये एकदम नेट ऑफ एवरीथिंग, दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड.
वो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट और विदाउट जीएसटी होगा। तो हम सेल के टाइम पे जो जीएसटी हम चार्ज करते हैं लोगों से, तो हम उनसे उसको रिवर्स करा देंगे, कैंसिल करा देंगे, तो उतने का गुड्स वापस आ गया। तो आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट, अगर विद इन द स्टेट सेल है इंट्रा स्टेट, तो ये दोनों कैंसिल करने के लिए उसको हम डेबिट कर देंगे। और तो आउटपुट आई जीएसटी अकाउंट, आउटपुट आई जीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट होगा आपके, अगर ये सेल हमने हमारे जहाँ पे पेरेंट स्टेट जहाँ पे बिजनेस है उसके अलावा और कि बाहर के स्टेट्स का क्या है, तो आउटपुट आईजीएसटी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये लायबिलिटी था, डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट इसलिए हम करेंगे, ये टोटल अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिटर हम जिसको उधार पे सेल करते हैं वो हमारा डेटर होता है। तो हियर देयर इज अनदर, इसको हमें ठीक करना, रेक्टिफाई दिस एंड इट शुड बी डन। तो इट विल बी टू डेटर्स अकाउंट, हम जिसको सेल करते हैं ये होगा डेटर्स, तो मेक इट डेटर्स, इट इज नॉट क्रेडिटर्स। दिस इज डेबिटर्स, डेटर्स अकाउंट, इसको मेक इट डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट जिसको हम सेल करते हैं वो हमारा डेटर होता है, और डेटर जब रिवर्स हो जाता है, और डेटर जब सेल करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, तो डेटर हमारा एसेट होता है क्योंकि उनसे पैसे लेना होता है, जब इनसे वापस आ जाते हैं तो डेटर का वैल्यू कम हो जाता है, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इस फंडे में करेंगे। दिस इज नॉट क्रेडिटर, दिस इज डेटर, तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। Being sales return recorded and output CGST, output SGST and output IGST reversed, उसको रिवर्स कर देंगे as the case may be, either CGST SGST होगा और IGST होगा, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। And the next one will be for expenses paid, कोई भी खर्चा पे करेंगे और उसमें GST हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उधार भी हो सकता है, जैसे मतलब हमने रेंट पे नहीं करा, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग। Likewise for expenses paid, when we pay expenses, जब हम expenses खर्चा पे करते हैं तो expenses होता है, increase in expenses is debited, suppose stationery expense account debit, या rent एक खर्चा होता है rent account debit, printing होता है printing account debit, तो कोई भी खर्चा wages account debit, तो increase in expenses is debited, और उनसे है ना printing, अगर printing होता है तो printing account debit with the actual amount of और कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंस, और उसके ऊपर जो जीएसटी होता है इनपुट जीएसटी, क्योंकि हम वी आर टेकिंग सर्विसेज, समबडी इज रेंडरिंग सर्विसेज टू अस, तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को भी डेबिट करेंगे। तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, अगर हम सर्विस आउट ऑफ स्टेट ले रहे हैं, मैंने लिखा नहीं, तो इनपुट आईजीएसटी, आइदर ये दोनों होंगे नहीं तो इनपुट आईजीएसटी होगा, ये दोनों के बदले में यू कैन राइट डाउन इनपुट आईजीएसटी। अगर हम ये हमारा एसेट है इनपुट आईजीएसटी, तो डेबिट कर देंगे। टू बैंक और कैश अकाउंट, अगर चेक दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट, अगर चेक दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, और कैश दे रहे हैं टू कैश अकाउंट, और उधार में ले रहे हैं तो सर्विसेज, तो टू आउटस्टैंडिंग पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट। तो नरेशन होगा बींग ड्यू टू पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी क्लेम, हमने क्लेम कर लिया, यह हमारा था खर्चा के बारे में। अगर जीएसटी नहीं होगा तो कोई खर्चे में जीएसटी लगता नहीं है, जीएसटी फ्री है, तो ये दोनों लाइनें नहीं आएंगे, तीसरा भी नहीं आएगा जो मैंने लिखा नहीं, इट इज इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये दिस वाज ऑल अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट वन इज फॉर ड्रॉइंग ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर, मालिक घर ले गया गुड्स, ड्रॉ कर लिया ड्रॉइंग्स, या ड्यू टू सम रीजन, या पार्टनर भी मालिक होते हैं, पार्ट ओनर इज पार्टनर, पार्ट ओनर पार्टनर वो भी अगर मालिक है, वो भी घर ले गया गुड्स, और गुड्स गिवन एज सैंपल्स एडवर्टाइजमेंट के लिया गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस हो गया, आग लग गया, स्टोलन चोरी हो गया, तो ये सब ड्यू टू सम रीजन हमारा परचेजर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। गुड्स
सेल का अलावा और किसी भी काम पे यूज हुआ है या लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो नाउ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जब गुड्स ले जाता है ओनर, यू कैन से ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड और ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। देन एडवर्टाइजमेंट, अगर गुड्स एडवर्टाइजमेंट करा है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सैंपल फ्री में किसी को दिया है, अगर गुड्स में आग लग गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, और यू कैन से कॉमनली लॉस बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो ये डिक्रीज इन कैपिटल और ड्रॉइंग्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, खर्चा एडवर्टाइजमेंट लॉस वगैरह होता है तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग थ्योरी का जर्नल का जो प्रिंसिपल बताता है। टू परचेजेस अकाउंट, हमने परचेज किया था, खरीदा था तो उसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा था और एक्सपेंडिचर घट गया, तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड। एंड जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी था उसको कैंसिल कर देंगे, उसी पोर्शन जितना वो इसमें यूटिलाइज हुआ है। बीइंग ड्रॉइंग ऑफ गुड्स एंड अदर यूजेस इनपुट एंड अदर यूजेस इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी रिवर्स्ड, दिस इज ऑल अबाउट। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने सारे एंट्री क्लोज कर रखा है, तो प्लीज अगर मेरा वीडियो जो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और शेयर करने से यू आर डूइंग ए नोबल जॉब, खुद पढ़ते हो दूसरों को भी पढ़ने देते हो, तो किसी का हेल्प करना बुरी बात नहीं है। एंड कीप ऑन शेयरिंग एंड स्टडी।